हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बरहरवा इज द सिटी ऑफ हील। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बरहरवा के सौंदर्य को दिखाऊंगा। आज मैं आप सबको राजमहल रोड होते हुए बाकुड़ी स्टेशन के बगल से बाकुड़ी की पहाड़ी क्षेत्र का नज़ारा दिखाऊंगा। आइए हमारे साथ बने रहें। आप देख सकते हैं हमारे बरहरवा के बगल में यानी कि नज़दीक संलग्न कितने बिल्डिंग बन चुके हैं। ये बरहरवा का डेवलपमेंट का एक दृश्य है। हमारे बरहरवा डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे हमारे बरहरवा का दायरा बढ़ते जा रहा है। आपने पीछे वीडियो में दृश्य में देखा होगा जो सड़क के बाजू में बहुत से बिल्डिंग बन चुके हैं। ये हमारे बरहरवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में यह सब एरिया मार्केट में तब्दील हो जाएगा। आप देख सकते हैं सड़क किनारे नए नए बिल्डिंग और दुकानें बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। ये दृश्य आप सभी को पता है कहाँ का है। ये बाकुड़ी स्टेशन के नज़दीक का एरिया है। आप सभी को पता है कि जब हम लोग कोई एक्सप्रेस ट्रेन से ये जगह को पास करते हैं, थ्रू पास करते हैं, तब कितनी मज़ा आता है। हम लोग आए दिन जब साहिबगंज या भागलपुर जाते हैं तब इसी जगह को इतना आनंदित महसूस करते हैं कि आप और हम बयां नहीं कर सकते। बाकुड़ी का मार्केट घुस रहे हैं। बाकुड़ी एक ग्रामीण क्षेत्र है। बाकुड़ी का ये मेन गेट है स्टेशन के घुसने का। इसी गेट से हम स्टेशन घुसेंगे और लॉकडाउन है इसीलिए दुकानें बंद हैं। आपको दिख रहे हैं वीडियो में कई कई छिटपुट दुकानें खुली हुई हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है बाकुड़ी का ये क्षेत्र। आप वीडियो में देख पा रहे हैं रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इलेक्ट्रिक से रेल गाड़ियां चल रही है। हम लोग का सपना था कहीं पे जाते कोलकाता मुंबई या दिल्ली जाते तो इलेक्ट्रीशियन रेलगाड़ी से जाना पड़ता था। तो हमें सपना था, हमारा सपना था कि हमारे एरिया में कब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और आज ये सपना पूरा हो चुका है। 2021 का बरहरवा क्षेत्र बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही खुशी लेकर आई है। हम इस तरह फाटक पार कर रहे हैं और आप नज़ारा देख रहे हैं। इस तरह हम लोग पहाड़ पे चढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम लोग आइए चलेंगे पहाड़, सबसे ऊंची जगह में चलेंगे जो कि दिखाई दे रहा आप सबको, शायद कैमरा में दिखाने का प्रयास कर रहा। तो हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ चढ़ रहे हैं और बहुत ऊंची पहाड़ है। और जो आप देख रहे हैं पहाड़ हम लोग चढ़ रहे हैं, हमारे आगे एक बच्चा भी चढ़ रहा है। और आप जो देख रहे हैं ये निशानी, ये जो पिक्चर आप विजुअल में दिखाई दे रहा है आपको, जो पहाड़ से आपको दिखा था कि पहाड़ का एरिया ऐसा बहुत ही मज़ेदार है, देखने लायक है। और ये पाकुड़ी के अपोजिट एरिया है जो पहाड़ है। इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ये जो रोड आप देखें, ये रोड सीधा साहिबगंज होक्स के लिए जाती है। बहुत ही
अच्छा विजुअल है, मज़ा आ रहा है। हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और पहाड़ का मज़ा लेते हुए हमारे दोस्त लोग इधर इस तरह से आइए चलते हैं। हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे और सबसे ऊंची स्थान पे जाएंगे और झारखंड की शान ये पहाड़ है। बहुत ही अच्छा विजुअल, शायद ये जो आप देख रहे हैं खदानें, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये गायें चर रही हैं इस तरीके से। हम लोग अब पहाड़ से नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नीचे जाएंगे और आगे भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा पहाड़ी नज़ारा। ये जो आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक, यही सब काट काट के हमारे घरों को बनाया जाता है। आप सभी को पता है पहाड़ की पत्थर से ही खदान से ले जाते हैं और उसको एग्रीगेट किया जाता है मशीनों से, क्रेशर मशीनों से, और बाद में हमारे घरों के लिए कंक्रीट के लिए काम आते हैं। ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं, जेसीबी से पत्थरों को एक तरफ से एक तरफ किया जा रहा है और इतना भयंकर, इतना बड़ा खदान जो आपका दृश्य है आप देख पा रहे हैं और लोग इसमें काम कर रहे हैं। कितना सुंदर सा ये वातावरण, कितनी दिलचस्प लग रहे हैं हम लोग। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हमें आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा ये वीडियो देखने के लिए। आगे भी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।